हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो आज मैं फिर से एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर वीडियो लेके आ गया हूँ। ये सेटअप जो आप पीछे देख रहे हैं, यह मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड है मेरे ही घर के थोड़े बगल में, वो भी ट्रेडिंग करते हैं, प्रभाकर भाई, आप उनको जानते होंगे। तो मैं उनके घर पे आया हूँ एंड इस वीडियो में मैं उनका आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ कि उनका ट्रेडिंग सेटअप कैसे है, वो कैसे ट्रेड करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करने वाला हूँ जो मैं एंड प्रभाकर भाई यूज करते हैं। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो है सीधे बढ़ते हैं सेटअप पे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या बेसिकली प्रभाकर भाई यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये मॉनिटर यूज करते हैं। ये 32 इंच का जो है ये डिस्प्ले है, काफी बड़ा है एंड यहाँ पे मल्टीपल्स मॉनिटर लगे हुए हैं, मल्टीपल सेटअप यहाँ पे लगे हुए हैं जो पर्सनली प्रभाकर भाई यूज करते हैं। तो 32 इंच का मॉनिटर है, इसमें जो है ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। यहाँ पे जो एक एक कैंडल्स आप मैंने अपनी वीडियो में दिखाई थी, एक एक कैंडल्स यहाँ पे एक एक मिनट की है एंड ये यहाँ पे चल रहा है। उसके साथ साथ और अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है लैपटॉप है, इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ठीक है, 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ये जो जो लैपटॉप है इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है एंड ये जो टैब है, ठीक है, इसमें बेसिकली प्रभाकर भाई जो है ऑर्डर बुक मैनेज करते हैं। लाइक जो भी ऑर्डर लिया, जो भी ऑर्डर नया ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है एंड उसी के साथ साथ कितना पीएनएल चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। फिलहाल में मैंने इसमें निफ्टी का टाइम फ्रेम खोला हुआ है 15 मिनट का, तो यहाँ पे जो है बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि मल्टीपल्स मॉनिटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों मल्टीपल्स मॉनिटर यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा हुआ, मैं भी जो है दो यूज़ करता हूँ, एक लैपटॉप एक मॉनिटर एंड बहुत सारे डिवाइस तीन तीन चार चार यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको दिखाया ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मुझे सपोज कर लो यहाँ पे ट्रेड करना है, तो मेनली अगर मैं ऑप्शन इंट्राडे करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम के कैंडल देखते हैं। 1 मिनट वाली जो कैंडल है वो उतनी अच्छी तरीके से कंफर्मेशन नहीं देती है, तो उसके लिए हमें 5 मिनट की कैंडल देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे जो है ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, उसके इसके लिए कंफर्मेशन हमें 5 मिनट वाली से लेना पड़ता है, और जब हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट से लेना पड़ता है। अब जैसे 15 मिनट में मार्केट में आपको मैं एक दिखाता हूँ, मार्केट में ये एक रेंज बनी हुई थी जो सबसे पहले दिन 12 मई को भी इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गया था, फिर मार्केट काफी अच्छा खासा नीचे गया, फिर उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट दोबारा वहां पर ट्राई किया मार्केट जाने का, फिर उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो 15 मिनट एंड 5 मिनट वाली जो टाइम फ्रेम होती है, कैंडल्स होती हैं, ये कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये कन्फर्म करती है, कन्फर्मेशन देती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहीं से फिर से रेजिस्टेंस लेके तीसरी बार फिर मार्केट काफी अच्छा खासा फॉल कर गई फ्राइडे के सेशन में। एंड ये जो आपको बड़ी बड़ी स्पाइक्स दिख रही हैं, ये कैंडल में बड़ी बड़ी स्पाइक्स दिख रही है, कैंडल यहाँ तक गई है, बेसिकली इस दिन SBI का रिजल्ट आया हुआ था, तो SBI काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, एक बार नीचे आया, फिर एक बार मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर गया, फिर उसके बाद अचानक से SBI काफी ज्यादा नीचे चला गया, तकरीबन 5% क्रैश हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम यूज किया गया है मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे भी सेम ऐसे 5 मिनट का भी है, मार्केट यहाँ पे देखिए मार्केट जहां से ओपन हुआ फिर से वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया एंड 1 मिनट वाली जो कैंडल है बेसिकली ये जो है ये हमें मोमेंटम दिखाती है कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। अगर बहुत मार्केट फास्ट जो है अगर गिरने लगता है एंड हम पुट साइड में बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे 1 मिनट वाली कैंडल देखते हैं एंड जैसे सपोर्ट पे आती है वहाँ पे हम पोजीशंस अपनी एग्जिट कर देते हैं। तो ये जो है प्रभाकर भाई का सेटअप है एंड इसलिए इतने सारे मॉनिटर्स यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ इधर भी प्रभाकर भाई ने कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा के रखे हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स भी हैं जैसे डबल बॉटम डबल टॉप, डब्लू पैटर्न, कप एंड हैंडल, बहुत सारे पैटर्न है, फॉलिंग वेज, कई सारे पैटर्न्स वहाँ पे हैं। एज अ बिगिनर स्टार्ट करना है ऑप्शन FNO स्टार्ट करना है तो मैं आपको कुछ गाइड देना चाहूंगा। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ठीक है, अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है तो तकरीबन आपको स्टार्टिंग कैपिटल 1 से 1.5 लाख चाहिए होगी, तो फ्यूचर करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की नीड होगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन चालू करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑप्शन आप 10,000 15,000 20,000 से भी चालू कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि 20,000 में मार्केट में ला के इसको 1 लाख बना लूंगा, 50,000 बना लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप स्टार्टिंग में मनी लाओगे वो एजुकेशन पर्पज के लिए लेके आना, जैसे आप स्कूल में जाते हो सीखने के लिए तो फीस देते हो पूरे साल भर, 12th तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद डिग्री लेते हो, देन फिर आपको जॉब मिलती है। ऐसे यहाँ पे भी आप मान के चलो आपको 20-40 हज़ार रुपये लेके आओगे एंड उस पैसे से अगर आप अच्छे हो, अच्छी आपकी लर्निंग पावर है,
अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, तो आप उस पैसे से मार्केट में आके सस्टेन कर सकते हो, सीख सकते हो, देन फिर आप प्रॉफिटेबल बाद में बनोगे। तो ऑप्शन बाइंग ही एक जरिया है जिससे आप कम कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज एक ऑप्शन बाई करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन, सपोज यहाँ पे जो मार्केट है वो अभी फिलहाल 33,086 पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे अगर 33,400 का ऑप्शन खरीदना है, कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो वहां पर मुझे 10,000 कैपिटल की नीड होगी। लेकिन उसी ऑप्शन को अगर मुझे सेल करना है तो वहां पे उसी के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होगा। उसको हेज करके हम 50,000-60,000 रुपए ला सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग ही एकमात्र जरिया है जिससे आप छोटे कैपिटल से कर सकते हो, और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी ऑप्शन बाइंग होता है, सबसे ज्यादा रिस्की भी ऑप्शन बाइंग होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट फिलहाल में अगर आप ऑप्शन फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीजें। एंड सेटअप पर्सनली कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा सेटअप आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो मेनली देखिए मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बना के रखी हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले आप W पैटर्न एंड M पैटर्न, ठीक है, W एंड M पैटर्न आप हमेशा फाइंड आउट किया करो। जहाँ पे भी W एंड M पैटर्न वाला आपको सेटअप मिलता है उस पैटर्न पे आप ट्रेड करो। वो पर्सनली मुझे ऐसा पैटर्न लगता है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म पैटर्न रहता है, हमेशा काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपने देख लिया भाई चारों मॉनिटर, ये टैब, ये इधर मॉनिटर, और ऐसा ही कोई सेटअप है मेरा भी, मैं भी अभी 2-3 मॉनिटर और ऐड करने वाला हूँ, तो जब ऐड करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो और आ जाएगी। और ये फिलहाल में अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।